हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी वॉइस के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे ना ऐसे, तो आपका एक क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसे आपको लेफ्ट में स्लाइड करना है ऐसे, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आपको है ना, पहले तो मैं यहाँ पर ऑडियो के बारे में समझा देता हूँ। देखिए, रिकॉर्ड ऑडियो के सामने छोटा सा एरो का बटन है, इसे टैप करना है। तो ये पेज आएगा, इसमें तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डिवाइस ऑडियो, अगर इसे आप सिलेक्ट करते हैं ना पहले ऑप्शन को, फिर इसके बाद आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन के सिस्टम में से जो भी साउंड की आवाज आएगी ना, वो आपकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन में ना रिकॉर्डिंग के समय जो कुछ भी आप बोलेंगे ना, वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन, इससे क्या होगा आपके मोबाइल फोन से निकलने वाली आवाज वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और जो कुछ आप बोलेंगे वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इन तीनों से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको इसके सामने जो बटन है इसे चालू कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे स्टार्ट का ये बटन दबाना है, तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो चालू हो जाएगी आपके फोन में। अब इसके बाद आप जो भी कुछ यहाँ पे मूवमेंट करेंगे ना, वो सारी की सारी मूवमेंट आपकी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाएगी। और देखिए, जब कभी आपको रिकॉर्डिंग को खत्म करना है ना, तो आपको अपना ये नोटिफिकेशन पैनल में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ये पेज होता है, इसमें आपको स्टॉप का ये बटन दबाना है, तो आपकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी और आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो आपकी फोन की गैलरी में मिल जाएगी, ठीक है।